नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनर्जी फाइनेंस पर। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अभी ये जो स्टॉक है मैं 30% का रिटर्न दे चुका है, और अब इसके बाद इस स्टॉक में क्या करना है बस मैं ये डिस्कस करने वाला हूं अपने इस वीडियो में। कहीं ना जाइए, बस बने रहिए। और हाँ, ये जो दोस्तों 5-6 मिनट का वीडियो था, 20% रिटर्न की बात थी एंड April 20th को मैंने पोस्ट किया था। ऑलरेडी मैं 30% का रिटर्न दे चुका है, इसलिए बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी अच्छे स्टॉक है, देखिए मोस्टली मैं ऐसे स्टॉक ही शेयर करता हूँ जो पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट फिट होते हैं। तो प्लीज जो भी मेरे वीडियो, जो भी मेरी एनालिसिस है, उसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट आए वो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट 3 मिनट्स में, मैक्स 3 मिनट्स में हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि आरके फोर्जिंग में क्या करना है या रामकृष्णा फोर्जिंग में क्या करना है। अपसाइड का जो नेक्स्ट टारगेट है 535 का है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 535 इज द नेक्स्ट टारगेट। ये अचीव कैसे होगा? तो स्टॉक की क्लोजिंग है 423 की, और 20th अप्रैल को ये 323 पर था जब इस स्टॉक को मैंने शेयर किया था। तो अगर यहां से स्टॉक ऑलरेडी इसने चूंकि हाई बनाया है 439 के आसपास का, बट स्टॉक नीड्स टू मेंटेन अ क्लोजिंग अबव 428 के ऊपर की अगर क्लोजिंग नेक्स्ट कुछ दिनों में अगर ये देता है स्टॉक नेक्स्ट वीक में, देन इट इज गुड टू होल्ड फॉर नेक्स्ट टारगेट, दैट इज 535। इन केस यू ऑलरेडी होल्डिंग दिस स्टॉक, यू हैवंट बुक द प्रॉफिट, ओके, कुछ लोग होंगे जो कि डेफिनेटली बुक कर चुके होंगे प्रॉफिट, बट कुछ लोग होल्ड भी कर रहे होंगे, उनके लिए मैं बताता हूं क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली यहां पर। So, 417 का CBSL रखिए, अगर इसके नीचे स्टॉक क्लोज करता है यू कैन बुक फुल्ली प्रॉफिट, जो भी क्वांटिटी है सारी आप बुक कर लीजिए। देन शॉर्ट टर्म के लिए एक रिस्क, छोटा सा अगर आपको ट्रेड लेना हो, रिस्क है मात्र 3 पॉइंट का। सो 407 के आसपास में अगर स्टॉक आता है यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं, एंड जब आप यहां पे एंट्री लो तो मेक श्योर 404 का हमारा CBSL रहेगा। जी हां, 404 का CBSL रहेगा। अगर ये हिट हो जाता है, इसके नीचे क्लोज करता है, देन यू कैन एग्जिट ऑल द क्वांटिटी विच यू एडेड एट 407, ठीक है, छोटा सा लॉस यहां पे बुक कर सकते हो। देन नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्युमुलेशन जोन, अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक्युमुलेट करना है देन वेट कीजिए, बिल्कुल जैसे ईगल करता है, और 371 आता है तो आप क्वांटिटी ऐड कीजिए, एंड देन 340 अगर आता है तो इसकी क्वांटिटी फिर से ऐड की जा सकती है, और फिर उसको बस 6 मंथ या 1 ईयर के लिए मैक्सिमम होल्ड करना है, फिर से हमें स्टॉक नए लेवल्स देते हुए और बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए मिल जाएगा। और जी हाँ, अगर रामकृष्णा फोर्जिंग की आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखनी है, आखिर मैंने क्यों इस स्टॉक को सेलेक्ट किया, तो आप इसका जो पहला वीडियो है जो कि लिंक में आप यहां देख रहे हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, ये वाला वीडियो था, आप देख सकते हैं इसको, इस वाले वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, यहां पे मैंने सारी चीजें, एक्चुअली 2 मिनट का वीडियो था दोस्तों, और 2 मिनट में इसने 20% से ज्यादा का रिटर्न आपके लिए बना दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर से कोई वीडियो में आता हूं जिसमें किसी ना किसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, और वो स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू, हैव अ हैप्पी वीकेंड।